अपना धर्म निभाया को हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। चलिए महाराज पीते सन के दरबार में। महाराज इस गरीब ब्राह्मण के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ये आपके दरबार में फरियाद लेकर आया है। हम तुम्हारी फरियाद सुनने को तैयार हैं। तुम मेरी फरियाद सुनकर क्या करो? खैर अगर सुनना ही चाहते हो सुन लो इस सुनार ने महाराज इसने मेरे 4 अनमोल रत्न हड़प कर लिए हैं। मैं इसके पास रोया, गिड़गिड़ाया, विनती की, धमकाया, लेकिन फिर भी ये मेरे रत्न वापस नहीं देता। महाराज आप ही न्याय कीजिए। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, ये रत्न तुम्हें कहाँ से मिले? महाराज मैंने सिंहलजीत की राजकुमारी अंजना को 4 वर्ष तक शिक्षा दी और शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनको लेकर राजा के पास गया। राजन, राजकुमारी अंजना की शिक्षा पूर्ण हुई, मुझे गरीब ब्राह्मण के पास जो कुछ भी विद्या थी वो मैंने अर्पित कर दी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण, दुनिया में विद्या दान से बढ़कर कोई दान नहीं। हम तुम्हारी 4 वर्ष की मेहनत के बदले में 4 अनमोल रत्न भेंट कर दी। ये 4 रत्न मेरी पत्नी को दे देना और देखना कहीं हेर फेर ना हो जाए। नारायण नारायण, हेर फेर करके सुनार जाति को कलंक लगाऊंगा। नारायण नारायण, तुम निश्चिंत रहो। तुमने ऐसा अपराध क्यों किया? जानते हो कि हमारे राज्य में अपराधी के हाथ काट लिए जाते हैं। महाराज मैं सुनार हूँ, सोना चांदी हीरे मोती रात दिन मेरे हाथों से होकर इधर उधर पहुँचते हैं। मैं 4 मोतियों के लिए अपने नाम को बट्टा लगाऊं? नारायण नारायण, इसने मुझे 4 रत्न दिए, मैंने पंचों के सामने इसकी पत्नी को पहुंचा दी। कौन? मैं सुनार हूँ। लो ये तुम्हारे पति ने दिए हैं। 1 2 3 4 चारों मिल गए ना? हाँ मिल गए। तुमने सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। बताइए महाराज अपराध किसने किया? महाराज ये झूठ बोलता है, इसने मुझे रत्न नहीं दिए, 4 रुपए दिए थे। गवाहों को हाजिर करो। क्या तुम्हारे सामने सुनार ने 4 चीजें ब्राह्मण की पत्नी को दी थी? जी महाराज। तो अपराधी यही है। अगर तुम ब्राह्मण न होते तो हम तुम्हें झूठ बोलने और सुनार पर इल्जाम लगाने की बहुत कड़ी सजा देते। अब केवल तुम्हारी यही सजा है कि जल्दी से जल्दी इस देश से दूर चले जाओ। एक सुनार ने मेरे 4 अनमोल रत्न हड़प कर लिए और 5 आदमियों की झूठी गवाही दिलवाकर मुझे देश से निकलवा दी। महाराज में अंधेर नहीं हो सकता। राघो अपनी सेना लेके जाओ और सुनारों के गाँव को पकड़कर हमारे सामने हाजिर करो। जो आ गया महाराज। चलो तुम सब मेरे साथ आओ और खाओ। भाइयों तुम पंचों ने मेरी जान बचाई, नहीं तो महाराज मेरे हाथ कटवा देते। कौन हो तुम? ये मेरी सेना है और मैं इनका सेनापति हूँ। चलो तुम सबको महाराज कीर्ति सेन ने बुलाया। कीर्ति सेन? अभी मालूम हो जाएगा कौन कीर्ति सेन। चलो ले चलो सबको। महाराज ये सुनार और ये इसके 5 गवाह। तो सुनार ने तुम्हारे सामने ब्राह्मण की चीज उसकी पत्नी को दी थी? जी महाराज। राघो इन 5 गवाहों को अलग अलग ले जाओ, जो चीज सुनार ने दी थी इनसे कहो के बनवा कर लाए। ये महाराज विजय केतु का दरबार नहीं है, यहाँ से कोई झूठ बोल का नहीं जा सकता। देखते जाओ। लो ये मट्टी लो, सुनार ने जो चीज दी थी वो बनाओ। नाटक से कुछ मिलने ही वाला है, जाने वाला नहीं। सबको वहां पे कराओ। ना चलो। महाराज सुनार ने ये चीज दी थी। नहीं महाराज ये चीज दी थी। नहीं महाराज ये चीज दी थी। वो नहीं ये चीज दी थी महाराज। वो सब नहीं महाराज ये चीज दी थी। तुम सब झूठे हो और हम झूठ बोलने वालों को उल्टे खड़े होने की सजा देते हैं। हुकुम के तामील हो। अब तुम क्या चाहते हो? इसका चारों हाथ वापस करते हो या सुली? दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज। चारों रत्न मेरे पास मौजूद है। ये लीजिए महाराज मेरे चारों अनमोल रत्न। भगवान तुम्हें विंध्याचल का राजा बनाए। बोलो राजा कीर्ति जयंती, राजा कीर्ति जयंती। ये क्या हो रहा है? मैं समझा था महाराज अब आप उल्टा हमको खड़ा होने की सजा देंगे। नहीं, हम तुम्हारा नाटक देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कीर्ति तुमने ये राजनीति किससे सीखी? क्षमा कीजिए महाराज मैं राजनीति क्या जानूं। जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो ऐसी मत मारी जाती है कि अपने आप को राजा समझने लगता हूँ। पर हमको अब ऐसा कभी नहीं। महाराज अच्छा जान पड़ता है कि इस धरती ही में कोई भेद है। भेद मालूम किया जाए। चलो दोनों की भलाई इसी में है कि आप कीर्ति सेन को आज से अपना बेटा बना लें। आज से कीर्ति सेन हमारा बेटा है और इस सिंहासन पर यही बैठेगा और यही राज करेगा। सिंहासन उठाओ। हमने इस राज्य और अपनी प्यारी प्रजा की भलाई के लिए कीर्ति सैन को अपना युवराज माना है और इस बड़े दरबार में इन्हें इस सिंहासन पर बैठने की आज्ञा देते हैं। ठहरो, यह महाराज विक्रम का सिंहासन है। इस पर केवल वही बैठ सकता है जो उतना ज्ञानी और दानी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से महाराज विक्रम को अपना गुरु समझूंगा और उन्हीं के बनाए हुए मार्ग पर चलूंगा। महाराज कीर्ति सेन की, महाराज कीर्ति सेन की, महाराज कीर्ति सेन। राघो जल्दी करो, दान का वक्त हो गया। हाथ रोकिए महाराज, नहीं तो कंगालों के साथ राजा भी कंगाल हो जाएगा। जब राजा का हाथ प्रजा से देते वक्त नहीं रुकता तो देते वक्त क्यों रुकता है? ठीक है, अन्नदाता की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या फरियाद है तुम्हारी? महाराज जंगली हाथियों ने हमारा गांव बर्बाद कर डाला, हमारे खेत उजाड़ डाले, बहुत से नर नारियों की हत्या कर डाली। हमारी जान बचाइए महाराज, हमारी सहायता कीजिए। घबराओ नहीं, संकट में फंसकर इतना निराश नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारी सहायता करेंगे। राघो चलने की तैयारी की जाए। जो हुकुम महाराज। नदी नाला जंगल पर्वत गांव के अंदर भीतर ऊपर नीचे सब जाके तलाश करो। जाओ, तुम नहीं जाओगे? मैं यहीं जावा दूंगा। जाओ जाओ। तुम कौन हो? मनुष्य। मैं यात्री हूँ, आंधी और तूफान में रास्ता भूल गया। अरे 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 भगवान, आओ आओ, उठो उठो उठो। हाँ हाँ हाँ, कैसी शुभ करी है भगवान। घर में 6 दिन का बालक और द्वार याची थी। आप आराम से बैठो, मैं जलपान का प्रबंध करता हूँ। प्रेत विषादनी है, जोग माया। तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारा पिता कौन है? आधी रात को घर में क्यों आई? किसी को मारने के लिए या जलाने के लिए? जल्दी बताओ। दूर हट जा मनु, नहीं तो मैं तुझे जला के भस्म कर दूं। सुंदरी, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, सीधी तरह बता दो, नहीं तो मैं तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। मालूम होता है तुम तो विंध्याचल के राजा सिद्धि सैन हो। उनके सिवा ना कोई मनुष्य मुझे देख सकता न बातें कर सकता। अच्छा हुआ तुमने पहचान लिया। अब ये बताओ तुम कौन हो? मैं विधात्री हूँ, धर्मपुर से आई हूँ। आज ब्राह्मण के बेटे को पैदा हुए 6 दिन हुए। उसके मत्थे पर छठी का लेख लिखने आई थी। क्या लेख लिखा है तुमने? मैंने कोई नया लेख नहीं लिखा, ये बालक अपना लेख लेकर ही पैदा हुआ है। पिछले जन्म इसने जो कुछ किया था वही उसका लेख बन गया। मैं तो उसकी पूजा करने आई थी। क्या देखा है तुमने? मुझे बता दो। मैं नहीं बता सकती। अगर तुम बताओगे नहीं तो भगवान की सौगंध, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम आज्ञा दो तो मैं धर्मराज से पूछ के तुम्हें बता सकती हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ, परंतु जल्दी आना। धर्मराज, ब्राह्मण का अतिथि बालक का लेख पूछता है। लेख किसी को बताया नहीं जा सकता। उसे तो बताना ही होगा धर्मराज। उसमें इतनी आत्मा की शक्ति है कि मैं ना नहीं कर सकती। इसके लिए तुझे विष्णु भगवान की आज्ञा लेनी पड़ेगी। है भगवान, मुझे आज्ञा दो कि ब्राह्मण के अतिथि को बालक का लेख बता दूं। कीर्तिसन बालक का लेख जानना चाहता है। जा, बता दे, परंतु ये भी कह देना कि होनी होकर रहेगी। फेरे पर उसे सांप काट लेगा। ये तो बहुत बुरी बात है। भगवान ने कहा है उन्हीं होके रहेगी। उन्हीं होके रहेगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण को दुर्घटना से बचाना ही होगा। अगर सेवा में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करना। तुम्हारी सेवा तो सदा याद रहेगी महाराज। लो, ये पत्र संभाल कर रखना। जब तुम्हारे बेटे का ब्याह हो इसे लेकर विंध्याचल के दरबार में चले आना। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा और तुम्हारे बेटे के ब्याह में जरूर आऊंगा। भूला नहीं? नहीं नहीं, भला ऐसे मित्र को कौन भूल सकता है। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, तो बात पक्की है ना? निश्चिंत रहो, अब के बसंत पंचमी पर मैं बारात लेकर आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं चला। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, तो वो पत्र दे दो, मैं अपने मित्र को नेवता देने इंडिया चल जाऊंगा। अच्छा जी। आइए महाराज, आइए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। आपके चरण मेरी झोपड़ी में आए और मैं अभागा आपको पहचान भी न सका। महाराज, आपका बेटा कैसा है? अब के बसंत पंचमी पर उसका विवाह होने वाला है महाराज। मैं आपको न्योता देने के लिए आया। हम आपके बेटे के ब्याह में जरूर चलेंगे। राघव, जाने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, हम आपके बेटे का ब्याह खुद करेंगे। तुम एक लोहे का बहुत बड़ा संदूक बना लेना और सिपाहियों को चिता से कह देना कि ब्याह के वक्त उस गांव में किसी पशु पक्षी को लाने दिया जाए। क्या और मंगल फेरे की रस्म भी सिकंदर अदा की जाए। आपकी इच्छा का पालन करना हमारा धर्म है महाराज। विवाह मंडप में फेरे हो रहे हैं? हाँ महाराज। क्या ये विवाह हो जाएगा? नहीं महाराज। सैन ने चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी हैं। उन्हीं दीवार दीवार नहीं देखती, वो होकर ही रहती। बुढ़ापे का यही एक सहारा था, उसे भी भगवान ने छीन लिया। अब मैं क्या करूंगा महाराज? तुम घबराओ नहीं, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। अब क्या होगा महाराज? कल खा कैसे बदलेगा? मुझे अपनी तदबीर पर पूरा विश्वास है। तुम घबराओ नहीं महाराज, मैं जमराज से लड़कर भी तुम्हारे बेटे का जीवन वापस लाऊंगा। लेकिन महाराज, ये लोहे की संदूक के अंदर बाहर सिपाहियों का पैरा होते हुए भी ये सांप कहाँ से आ सकता? इस संदूक की छत पर जो सांप का चित्र बना हुआ है, उसमें जान पड़ गई। इस गांव में अब तक ऐसी दुर्घटना नहीं है। भाई, ये ब्राह्मण के कर्मों का फल है। उसने गांव में राजा को बुलाया क्यों? अरे कुछ सुना? सुन लिया। ये राजा नहीं राक्षस है। चुप रहो स्वरूप की माँ। इस राजा के चरण गांव से जाए तो काली माई के मंदिर में दीप जलाऊंगी। महाराज, हमारी इतनी सी बात और मान लो। ये शरीर को इसी तरह रहने दो। अगर हम एक साल में वापस ना आए तो इसे जला देना। राघव, लाश में दुआ लगा दो कि खराब ना हो, और जब तक हम वापस ना आए तुम यहीं रहना और लाश की रक्षा करना। अच्छा महाराज। आप भाग्य से कहाँ तक लड़ोगे महाराज? होनी होकर रहती है। भगवान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है कि कभी कभी होनी भी अनहोनी हो जाती है। जैसी आज्ञा महाराज। बचाइए, मेरे सारे शरीर में आग लगी। मैं जल रहा हूँ, भून रहा हूँ। महाराज, मुझे बचाइए, मेरे सारे शरीर में आग लगी है। मैं जल रहा हूँ, भून रहा हूँ। जलने का कारण, जब से मैंने ब्राह्मण के लड़के को डसा है, मेरा शरीर भड़क उठा। तुमने ब्राह्मण के लड़के की हत्या क्यों की? उसने क्या पाप किया था? कोई पाप नहीं महाराज, परंतु होनी होके रहती, तो होनी ये भी होगी कि तुम अपनी आग में जल जाओ। महाराज, आप होनी को अनहोनी कर सकते हैं। आपके पेट में अमृत है। अगर आप मुझे अपने पेट में जाने दें तो मेरी आग बुझ जाएगी। अगर तुम प्रतिज्ञा करो कि अपने शरीर की आग बुझाने के बाद मेरे साथ चलकर ब्राह्मण के लड़के के शरीर से सारा विष चूस लोगे और उसे जीवित कर दोगे, तो मैं तुम्हें अपने पेट में जाने की आज्ञा देता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो आओ। अंजना। जी पिताजी। तुम्हें तदबीर पर इतना घमंड है? घमंड नहीं पिताजी, विश्वास है। और कुमारी मोहना, तुम्हारा क्या विचार? पिताजी, मैं तो केवल तकदीर को मानती हूँ। छोटी बहन बड़ी बहन से ज्यादा बुद्धिमान। ये छोटी है, शायद तकदीर को मानने का यही कारण है। अभी इसे अपने पर विश्वास नहीं। पिताजी, ये तकदीर ही की तो बात है ना कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैंने राजघराने में जन्म लिया है। नहीं तो ये सुख शांति, ये हीरे मोती सपने में भी देखने को न मिलते। तुम ठीक कहती हो बेटी। नहीं पिताजी, मैं पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, मेहनत की होगी, नेकी और भलाई के रास्ते पर चले होंगे, यही कर्मों का फल। अंजना, तुम्हें तदबीर पर इतना विश्वास है तो परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तदबीर को तैयारी की जरूरत नहीं होती पिताजी, तदबीर तैयार ही करना। याद रखो, अब तक तुम्हारी तदबीर इसलिए सफल हुई कि तुम हमारी बेटी। वो तदबीर क्या जो बाप की वजह से सफल हुई, तदबीर सच्चाई के सिवा किसी का दामन नहीं पकड़ती पिताजी। अच्छा, हम तुम्हें इस अहंकार की ऐसी सजा देंगे कि फिर हमारे देश में कोई तदबीर का नाम भी न ले। राजमंत्री महाराज, सिंगलदीप के कोने कोने में सिपाही दौड़ा दो और जो आदमी सबसे ज्यादा क्रूर, रोगी और अपाहज मिले उसे हमारे सामने हाजिर कर। जो आ गया महाराज। तुम्हें शांति मिल गई क्या? हाँ महाराज, आपकी दया से। तो फिर वापस लौट आओ। नहीं महाराज, अब मैं यहाँ से वापस नहीं आऊंगा, यहाँ बड़ी शांति। परंतु तुमने तो प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा का पालन करना आपका काम, मेरा नहीं। तो तू समझता है कि ब्राह्मण के लड़के को कोई जीवित नहीं कर सकता? कौन जीवित करेगा? तदबीर, तदबीर ही सब बिगड़े हुए काम बनाए, तदबीर ही सब बिगड़े हुए काम बनाए, तदबीर ही सब बिगड़े हुए काम बनाए। बस ये ठीक रहेगा, बस इससे ज्यादा रोगी अब कोई नहीं मिलेगा। चलिए मंत्री जी बुला, मुझे मंत्री जी बुला रहे हैं, चलो। प्रधान जी, अब तक सिंगलदीप में सिपाहियों को एक रोगी भी नहीं मिला। महाराज, राजमंत्री खुद गए हैं, रोगी को अभी कुछ ही देर में हाजिर कर दिया जाएगा। महाराज, रोगी हाजिर। राजकुमारी अंजना को हाजिर करो। भगवान मौत दे, ऐसा भाग्य नहीं। महाराज, बीमारी और तंदुरुस्ती भाग में नहीं लिखी होती। कभी कभी मनुष्य ऐसी गलती कर बैठता है कि उसका मन भी संकट में फंस जाता है और तन भी। अच्छा, केवल रोगी ही नहीं, पागल भी। पिताजी, आपने मुझे याद किया? अंजना, उधर देखो। अंजना, तुमने इस रोगी को अच्छी तरह देख लिया? देख लिया पिताजी। अगर तुमने अब भी तकदीर के आगे सर न झुकाया तो हम इस रोगी से तुम्हारा विवाह कर देंगे। आप राजा भी हैं, पिता भी, आपके अधिकार में कौन जबान खोल सकता है? विवाह हमारे राज्य से तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। महाराज, जो नारी विवाह के बाद माता पिता या राजपाट का सहारा ले, वो नारी नहीं। विवाह के बाद तू करेगी क्या? इनकी सेवा। और रहेगी कहाँ? इनके चरणों में। राजकुमारी, बालक मुझे देख के डर जाते हैं, नर नारी खिन से मुंह फेर लेते हैं। तुम मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद ना करो। जीवन की यही सबसे बड़ी कीमत है कि पति के चरणों पर भेंट चढ़ा दिया जाए। अब हाजिर महामंत्री, विवाह की तैयारियां। हाँ और क्या, अब तो सियानी हो गई है ना, बड़ी बड़ी बातें सोचती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। तुझे दुनिया का सारा ऊंच नीच मालूम है, लेकिन माँ की ममता नहीं मालूम। माता पिता के जीवन में ये घड़ी तो एक दिन जरूरी आती है। उन्हें कभी न कभी दिल थाम कर बेटी को विदा करना ही पड़ता है। भगवान न करे कोई अभागन अपनी बेटी को विदा करे। क्या क्या सोचा था तेरे ब्याह के लिए, कैसे कैसे सपने देखे थे। बड़े बड़े राजकुमारों से तेरी बात चल रही थी, किंतु भाग का लिखा कौन मिटा सकता है। माता बेटी विधात्री, ये सब क्या हो रहा है? अंजना का विवाह हो रहा महाराज, एक रोगी से। होनी होकर रहती है, कहीं ये विवाह होनी कौन होनी न बना दे। आज तक कहीं ऐसा हुआ है? आज तक तूने ऐसी सती से टक्कर भी तो नहीं ली? मुझ में भाग की शक्ति है महाराज। सती में भगवान की शक्ति होती है विधात्री। ब्याह के बाद पिता के दिए हुए घर में रहना शोभा नहीं देता, दुनिया क्या कहेगी। तुम ठीक कहती हो अंजना, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। अभी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जाकर सर छुपाने की जगह ढूंढता हूँ। नहीं स्वामी, ऐसा भी कहीं हुआ है? चंदा कहीं रहे, चांदनी कहीं, शरीर कहीं हो, आत्मा कहीं। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आप ही के साथ चलूंगी। तुम इस भवन का आनंद छोड़कर मेरे साथ कहाँ कहाँ मारी मारी फिरोगी। आपके साथ मारी मारी फिरने और ठोकरें खाने में जो आनंद है वो यहाँ कहाँ। अब तो इस भवन के आनंद और सुख पर मेरा कोई अधिकार नहीं। अंजना, हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी। बहुत हो चुका अंजना, अब जहाँ जी चाहे चली जा। अगर तेरे भाग में दर्द की ठोकर नहीं लिखी है तो कौन रोक सकता है तुझे? महाराज, महाराज, क्या कोई बेटी को इस तरह विदा करता है? महारानी, ये विदाई नहीं बलिदान, मृत्यु। आपका विचार ठीक है पिताजी, आपकी अंजना मर गई, ये तो मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। सिपाहियों, ले जाओ इस अपाहिज रोगी को यहाँ। आप क्या कर रहे हैं महाराज? ले जाओ इस धरती का बोझ को यहाँ। लेकिन बेटी का सुहाग। ये सुहाग नहीं, फांसी का फंदा है। सिपाहियों, खबरदार, अगर किसी ने भी इनका अपमान किया, इनके शरीर को फूल के धड़ से भी छुआ तो मैं तड़प तड़प कर जान दे दूंगी। हट जा अंजना। नहीं हटूंगी। सिपाहियों से कह दीजिए तलवार चलाएं, मेरे खून के टुकड़े टुकड़े कर दें। मैं इनके चरणों में दम तोड़कर अमर हो जाऊंगी। भगवान ऐसी बेटी किसी को न दे। महाराज, दीदी, हमें केवल आपका आशीर्वाद चाहिए माताजी, जेवर कहना नहीं। रख ले बेटी, बुरे वक्त पे काम आएंगे। अब हमारे जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आएगा, फिर इन चीजों की क्या जरूरत। माता पिता से लेने में लाज नहीं किया करते बेटी। वो तो ब्याह से पहले, ब्याह के बाद नारी केवल स्वामी के आगे हाथ फैलाती है। माता जी से न लो दीदी, इनसे छोटी बहन की ये भेंट स्वीकार कर लो। ले लो दीदी, ले लो ना, इसे अपने पास ही रहने दो। मोहना, हीरे मोती का तो तुझे ज्यादा मोह है, मेरा सिंगार तो धूल से हो चुका है। छोड़ अयोध्या के महल, चली राम के साथ, सतीपति के साथ है दिन हो चाहे रात। भारत की नारी बिगड़ी को बनाने चली है, तकदीर से तकदीर को ठुकराने चली है। भारत की नारी बिगड़ी को बनाने चली है। छोड़ा है उसने मोतियों महलों से वास्ता, हंसकर बना रही है वो कांटों में रास्ता। वो आधियों के बीच में मुस्काने चली है, भारत की नारी बिगड़ी को बनाने चली है, तदबीर से तकदीर को ठुकराने चली है, भारत की नारी बिगड़ी को बनाने चली है। मेरे लिए तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा अंजना, इन चंदन जैसे पाँव में छाले पड़ गए, ये फूल जैसा चेहरा धूप में मुरझा गया। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी, दासी की ऐसी सुंदरता वो आपकी सेवा में है। अंजना तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारा ये कोमल शरीर इतना कष्ट कैसे सह सकेगा अंजना? क्या दासी की सेवा पर आपको विश्वास नहीं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। आज किसने उमा को चौंका दिया? भोलेनाथ स्वामी, आज मैं चौंकी नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कारण? आज सती अपने पति के साथ राजमहल के सुख को ठोकर मारकर अपने जीवन की यात्रा पर निकली है। देवी पार्वती, क्या सती अपनी परीक्षा में सफल होगी? बताइए धर्मराज, बताइए, देखिए आपका सिंहासन ढूंढ रहा। देख रहा हूँ। सती अंजना होनी का अनहोनी करने के लिए वो भाग का लेख मिटाना और आपसे नियम बदलना चाहती है। जानता हूँ, अंजना को रोकना पड़ेगा। आपने कहा था कि सती में भगवान की शक्ति होती है, फिर आप उसे कैसे रोकेंगे? सती मार्ग में कांटे बोकर, उसके पांव में दुर्घटनाओं की बेड़ी डालकर। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए धर्मराज। कौन भक्ति? हाँ, अंजना सती है, उसने अपना तन मन धन सब पति सेवा की अग्नि में भस्म कर दिया है। उसके रास्ते में कांटे बोना बहुत बुरी बात है। होनी को अनहोनी बनाने का यत्न करना ये उससे भी बुरी बात है। किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख, कोई आंसू बहाता है, कोई मुस्कान, कोई निर्धन होता है, कोई धनवान। इसी दो रंगी का नाम संसार है। इसको मिटाने के लिए हाथ पांव चलाना ये मूर्खता है। भगवान ने मनुष्य को हाथ पांव इसलिए दिए हैं कि चलाए जाए। मूर्ख वो है जिसको आंखें मिली है लेकिन दिखाई नहीं देता, पाँव है लेकिन आगे बढ़ना नहीं आता, हाथ है लेकिन भाग के बंधनों में जकड़े हुए। तो क्या मनुष्य भाग के बंधन भी तोड़ डालेगा? भाग का बंधन तोड़े बिना सच्ची मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति तो त्याग में मिलती है। वो त्याग ही क्या जो भाग न बदल दे? भाग बदलने की शक्ति किसी में नहीं है। किसी में हो या न हो, भक्ति में जरूर है। अच्छी बात है, तो भक्ति और भाग की ये टक्कर होने दो, मालूम हो जाएगा कि शक्तिशाली कौन है। मालूम तो कई मरतबा हो चुका, एक परीक्षा और सही। भगवान, अंजना को रोकना जरूरी है, आप उसका पालन क्यों करते हैं? इसलिए कि वह सत्य के मार्ग पर चल रही है। सत्य के मार्ग पर चल तो रही है लेकिन हमसे टकराती भी है, हमारे नियमों को बदलना चाहती है। ये तो कोई बुरी बात नहीं है धर्मराज, किसी को तो भाग्य से टकराना ही चाहिए, नहीं तो कर्म का मतलब ही क्या? वैसे तो फिर भाग्य का भी कोई मतलब नहीं। भाग्य का मतलब इसके सिवा और है ही क्या कि जो कुछ न करे उसे कुछ न मिले, और जो करे वो होली को अनहोनी कर दे, विष को अमृत बना दे, मुर्दे को जीवित कर दे। हाँ, कर्म ऐसा भी कर सकता है। भगवान, आपको भाग्य की सहायता करनी चाहिए। तुम कर्म और भाग्य के चक्कर में मेरी सहायता क्यों चाहते हो? मैं तो केवल कर्म, सत्य और भक्ति का दास हूँ। तुम कर्म को आजमाना चाहते हो ना? जाओ अच्छी तरह आजमा दो। आजमाना ही पड़ेगा। विश्राम कीजिए, मैं आपके खाने पीने का प्रबंध करती हूँ। इस जंगल में अकेली कहाँ जाओगी? कहीं आप चिंता न कीजिए, जिसकी मांग में सुहाग का सिंदूर हो वो अकेली नहीं कहलाती। विधात्री पार्वती। हाँ हाँ पार्वती, मैं तुझे चुनौती देने आई हूँ। तू सती के रास्ते से हट जा। तुम हटाने वाली कौन होती हो? मैं महाकाल की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। सती के छत का बल तूने नहीं देखा, जो मैं देखती हूँ। जो होनहार है वो होकर रहेगा। विधात्री ये तेरा अभिमान है। मैं देखती हूँ तू सती को कैसे रोकती है। विधि का विधान जिसकी मुट्ठी में है उसको चुनौती। हाँ मैं देखती हूँ अंजना कैसे आगे बढ़ती है। पार्वती को मेरी शक्ति का पता नहीं, होनी अनहोनी नहीं हो सकती। यहाँ तो दूर दूर तक कोई शिकायत दिखाई नहीं देता। वापस चलो। राजकुमार देखिए वो हिरनी। क्यारी का फूल और किस बाग की बहार हो, और तुम किस जंगल के जानवर हो। पराई नारी को छेड़ते हुए लाज नहीं आती। रेड मैनी, मैं जानवर नहीं। तू फूल है मैं भौरा, तू दीप है मैं पतंगा, तू राजकुमारी है तो मैं राजकुमार हूँ। मुझे तो तुम चोर नजर आते हो। हट जाओ मेरे रास्ते। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ दो मुझे। अंजना, अंजना अभी तक नहीं आई। न जाने की देर क्यों होगी। चंद्रमा बदली में छुप जाए तो केवल दुनिया अंधेरी होगी, और तुम अपना मुखड़ा छुपाए रहोगी तो मन में अंधेरा छाया रहेगा, जीवन में अंधेरा छाया रहेगा। तुम यहाँ रोने के लिए नहीं, गाने नाचने और हमारा मन बहलाने के लिए लाई गई हो। जाओ नाचो गाओ। आज लाज संकट में मेरे बिगड़े हुए संवार दे। गौरी मैया मेरी नैया भव सागर से तार दे। बिगड़े हुए पतिव्रता की लाज रही। जिसको अपने पर विश्वास हो भगवान उसी की सहायता करते हैं। संभल के धरती इस मदमाती जवानी का बोझ नहीं उठा। तुम तो उठा सकते हो। हाँ, परंतु अपनी बाहों में नहीं, प्रेम की बाहों। बड़ा बलवान है तुम्हारा प्रेम। प्रेम की बाहों में भगवान का बल होता है राजकुमारी। अगर प्रेम सच्चा हो क्या राजकुमारी को मेरे प्रेम में शंका? शंका तो नहीं, फिर भी कभी कभी दिल धड़कने लगता है। आपके विचार कैसे है राजकुमारी? नाथों में झांक के देखिए, आपको अपना ही चित्र मिलेगा। इस दिल की धड़कन सुनिए जो सदा आप ही को पुकारता रहता है। मंत्री, अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं नहीं। मंत्री, मुझे सब मालूम है। राजकुमारी, अगर हमारी बात महाराज तक पहुंच गई तो? पहुंच कैसे सकती है? ये क्या हुआ महाराज? क्या इस राज में हमें जीने का अधिकार नहीं? क्या हम यूं ही सदा कीड़े और मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे? हमारे राज्य में कीड़े मकोड़ों को भी जीने का अधिकार है। बोलो, ये अत्याचार किसने किया? महाराज, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें हत्यारे का नाम मालूम है? मालूम है महाराज। बताओ, हम उसे ऐसी सजा देंगे कि फिर हमारे राज्य में कोई किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत न करे। कैसे बताओ महाराज, हत्या राजकुमारी ने की है। राजकुमारी ने? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आंसू और इस खंजर पर विश्वास ना आए तो राजकुमारी से पूछ लीजिए महाराज। राजकुमारी मोहना को हाजिर किया गया। महाराज, राजकुमारी ने जानबूझकर यह हत्या नहीं की होगी। उनके हाथ से तो आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचा। पिताजी? पिताजी नहीं महाराज, तुम इस समय दरबार में। महाराज, आपने मुझे दरबार में क्यों बुलाया? क्या ये सच है कि तुमने दासी की हत्या की है? मैं रोज निशानाबाजी सीखती हूँ, कोई आगे आ जाए तो दोष उसका है, मेरा नहीं। क्या निशानाबाजी सीखने का ये मतलब है कि तुम निर्दोषों की हत्या करो, किसी के जीवन से खेलो, हमारे दास दासियों का खून बहाओ? राजकुमारियों के रस के नीचे कीड़े मकोड़े पिस जाते हैं, मैंने कोई नया पाप नहीं किया। हमारा न्याय नया पुराना नहीं देखता, वो अपराध की सजा देता। अपराधी चाहे दासी हो या राजकुमारी। मैं दासियों की तरह छोटी छोटी बातों पर सजा नहीं भोग सकती। मोहना, तुम्हारा राजकुमारी होना हमारे न्याय का हाथ नहीं पकड़ सकता। सिपाही, ये कमान लाओ। फरियादी, दो, तुम भी राजकुमारी पर तीर चलाओ। महाराज, हम राजकुमारी की हत्या नहीं कर सकते। राजमंत्री, आज न्याय की लाज तुम्हें रखना पड़ेगी। उठाओ तीर। महाराज, मैं मंत्री हूँ, जल्लाद नहीं। तुम सब मिलकर हमें न्याय के रास्ते से नहीं हटा सकते। हम खुद तीर चलाएंगे। महाराज, हाथ रोकिए महाराज, मेरी कोप न उजाड़िए, मेरा दीप न बुझाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज। हट जाओ महारानी, वो भी तो माँ थी जिसकी कोप राजकुमारी ने उजाड़ी। नहीं हटूंगी, बड़ी को जीते जी आपने नर्क में धकेल दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब जीवन का यही एक सहारा बाकी है, जिसे मैं आपकी न्याय की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। महारानी, तुम अकेली मोहना की नहीं, प्रजा की भी माता हो। हट जाओ सामने से। क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, उनकी हत्या कौन देख सकता है। हम अपनी फरियाद वापस लेते हैं। आपका जो अपमान हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है राजकुमारी। तुम्हें दुख होता? इस तरह तुम तमाशा देखते रहते? हर काम अपने समय तो होता है। ये अच्छा ही हुआ कि आज मैं चुप रहा। आगे देखिए क्या होगा। क्या इसी तरह मेरा अपमान होता रहेगा? पिताजी मुझे डांट से फटकारते रहेंगे। एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, फिर पिताजी मुझे मिलेंगे न तुम। ये ठीक नहीं होगा राजकुमारी। और मैं कर ही क्या सकती हूँ? सब कुछ, सिंहासन आपका है, मुकुट आपका है, हर चीज आपकी है, परंतु अपना अधिकार लेने की शक्ति पैदा कीजिए। कहो देवी पार्वती, तुम्हारी सती की जीवन यात्रा का क्या समाचार है? कुशल मंगल नाथ, वो धीरज धरकर अपना धर्म निभाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी? सती असंभव को संभव बनाती है नाथ। अच्छा देवी, जो होगा हम भी देख लेंगे। मत भी खेला करती है, कैसे खेल निराले। किस्मत भी खेला करती है, कैसे खेल निराले। शाल दुशाले बेच रहे महलों के रहने वाले। महलों कुटियों के भेद को मिटाने चली है। भारत की नारी बिगड़ी को बनाने चली है। तकदीर से तकदीर को ठुकराने चली है। भारत की नारी बिगड़ी को। आइए आइए, बधाई। मैं तुम्हारे द्वारे पधारने नहीं आया हूँ। आज मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आज तो घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है सेठ जी, थोड़े दिन और ठहर जाइए। क्षमा कीजिए, चादरें बिकते ही पाई पाई चुका दूंगी। पाई पाई चुका दूंगी? हाँ। आजकल करते इतने दिन तो हो गए, ना असल मिला ना ब्याज। अरे नियत ठीक हो तब तो कहीं मिले ना। ऐसा ना कैसे, हम गरीब हैं, अधर्मी नहीं। धर्म अधर्म तुम जानो, मुझे तो केवल अपना पैसा चाहिए, पैसा। आपका पैसा डूबेगा नहीं सेठ जी। डूबेगा नहीं क्या? अरे वो तो डूब गया। नारायण नारायण, इस जग में किसी पर दया करना भी पाप। मैंने तुम्हें उधार दे के ये घर बनवा दिया, ये धंधा शुरू करवा दिया, इसका बदला तुमने मुझे ये दिया। निकलो इस घर से, उठाओ अपने इस आफात को और जाके मारो किसी जंगल में। सेठ जी, जहाँ आपने इतनी दया की, थोड़ी दया और कीजिए। मैं इस हालत में लेकर कहाँ जाऊँगी? मैंने कोई इसका ठेका लिया है? निकलो इस घर से। मैं आपसे विनती करती हूँ। देख अंजना, अगर तुझे इस घर में रहना है और अपने पति की जान बचाना है और ये धंधा चलाना है तो आज ही मेरे पैसे रख दे, और अगर ये ना हो सके तो तू मेरे घर चली आना। तेरे पास पूंजी नहीं, पर ये कोमल शरीर तो है, ये सुंदरता तो है। पापी, अधर्मी, तुझे ऐसी बात कहते हुए लाज नहीं आती? मेरे पास तू तो मैंने के लिए समय नहीं। मैं रात तेरी राह देखूंगा, और अगर तू ना आई तो याद रख, दिन चढ़ने से पहले इस झोपड़े के अंदर आग लगा दूंगा और तेरे पति को उठा के मैदान में फेंक दूंगा। वो तो दर दर की ठोकरें खा के मर जाएगा और तू विधवा हो जाएगी। फिर ये जवानी और ये सुंदरता सब मट्टी में मिल जाएगी। दिमाग खुले रहेंगे, याद रखना। अंजना, ओ अंजना। आई स्वामी। कौन था अंजना? वही पापी साहूकार, कहता था अभी मेरे पैसे दो या रात को। रात को? कुछ नहीं स्वामी, वो बड़ा पापी। पाप और पुण्य में ज्यादा फेर नहीं होता अंजना, तू बात तो बता। कहता था तुम्हारे पास पूंजी नहीं, सुंदरता तो है, रात को मेरे घर आना। तो चली जाना, इसमें डर की क्या बात है? आप नहीं समझते स्वामी। वो मैं सब समझता हूँ, तुझे आज रात को उसके घर जाना ही होगा। यार क्या कह रहे हैं, मेरे पाँव की धूल भी उधर नहीं जाएगी। पाँव धूल न जाए, पर तुझे जाना होगा स्वामी। हाँ अंजना, तुझे जाना होगा स्वामी। उसके दिल में खोट है, वो बड़ा पापी है, पर तू सती है, तेरी आंखों में भक्ति की जोत है। तुझे देखते ही ज्यादा पाप छो जाएगा, कोई आत्मा जाग उठेगी, तेरे कारण एक बुरा अच्छा बन जाएगा। क्या तू ये नहीं चाहती? वो भक्ति क्या, जो बुरे को अच्छा न बना सके, लेकिन उसमें अच्छा बनने की लगन भी तो हो। लगन है, लेकिन हो जाएगी। तुझे अपने पर पूरा विश्वास है ना अंजना? तो चलने के लिए तैयार हो जा, मैं तुम्हें खुद वहाँ ले जाऊंगा। हाँ, मैं। बदन कमजोर है, आत्मा नहीं। आत्मा कमजोर ना हो तो बदन भी कमजोर नहीं होता। मैं चलूंगी। जहाँ सती की छाया पड़ती होता वही उजाला, जहाँ सती की छाया पड़ती होता वही उजाला। सन्नारी सतियों का ईश्वर होता है रखवाला। सत की ताकत से पाप को ठुकराने चली है, भारत की नारी सुधरी को बनाने चली है। तकदीर से तकदीर को ठुकराने चली है, भारत की नारी सुधरी को बनाने चली है। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, मैंने गुस्से में कुछ बुरा कह दिया था, उससे तुम दिल मेला न करना। पैसे कौड़ी की कोई बात नहीं, इस सुंदरता पर मैं अपनी जान भी कर सकता हूँ। अरे तुम इस आंधी तूफान में भीगी नहीं? मेरा आजकल कोई तूफान नहीं छू सकता। ठीक है ठीक है, मगर तुम आई कैसे? अपने स्वामी के साथ। स्वामी? क्या वो भी? हाँ हाँ, वो बाहर खड़े हैं। चलो ये भी ठीक हुआ, अब न किसी का खटका है और न किसी की चोरी। तो मूर्ति की तरह खड़ी क्या हो? मेरी इन बाहों में आओ जो तुम्हारे लिए कब से खुली है। तुमने कर्जा दिया है ना, आओ अपना कर्जा चुका लो, दूध भी ले लो और असल भी। क्षमा करो मेरी बहन, मुझे क्षमा करो, मैं अंधा हो गया था। मेरी बहन तुम सती हो, भक्ति का रूप हो, पतिव्रता हो, अपने भाई को क्षमा कर दो मेरी बहन। भाई कहीं छोटी बहन का पैर छूती है? तुम धर्मात्मा हो, मैंने बड़ा पाप किया, मुझे क्षमा कर दो भैया। मुझे क्षमा कर दो। हाँ भैया गले मिलो। तू कितना नीच है रे, जिस महापुरुष ने तरस खा के तुझे अपने पेट में जाने दिया उसी की ये दुर्गत की तूने। अरे तो क्या तू कम नीच है? जिस साहूकार ने तुझे अपने धन पर पहरा देने के लिए बिठाया उसी को काटने दौड़ता है। बेचारा अपने धन को हाथ भी नहीं लगा सकता। और कुछ दिन मौज उड़ा ले पेट में, सताले गरीब को। जिस दिन किसी ने उसको काला नमक खिलाया तो टुकड़े टुकड़े होके निकल आएगा पेट से। अच्छा तो क्या तू सदा साहूकार के धन पर बैठा ही रहेगा? जिस दिन किसी ने तेल गर्म करके तेरे ऊपर डाला तो तेरे भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सेवा ने मुझे दूसरा जन्म दे दिया। आपकी सेवा तो मेरा धर्म है स्वामी। उधर भी हाथ, एक साधारण नारी में इतनी शक्ति। भूतनाथ की ये मूर्ति और उनके गले के लिए आभूषण, हाँ यही ठीक होगा। सावधान पार्वती, आज मैं तेरे पति के आभूषण को ही अपना हथियार बनाती हूँ। क्या आज्ञा है देवी विधात्री? तुमको इसी समय जाकर अंजना के पति को दसना है। जो आज्ञा। करने के लिए तुमने मेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसे मार डाला। मैं उसका बदला लेने आई हूँ। मैं भी तुम्हारे पति को डस लूंगी और उसे मार डालूंगी। क्षमा करो, ऐसा न करना। तुम्हारे बेटे ने मेरे पति के साथ खोज की और तुमने मेरे बेटे के साथ खोज की। मैं तुम्हारी मांग उजाड़े बिना नहीं रह सकती। हट जाओ, मैं विनती करती। नाचना गिन और सुहागिन, तू आगे मत आ मेरे पिया तेरे मत प्राण नागिन, तू अपने घर जा नागिन, तू अपने घर जा। नाचना गिन और सुहागिन, तू आगे मत आ मेरे पिया तेरे मत प्राण नागिन, तू अपने घर जा नागिन, तू अपने घर जा। पिया को डस कर क्या पाएगी, बोझ से तेरी भर जाएगी। पिया को डस कर क्या पाएगी, बोझ से तेरी भर जाएगी। काल से लड़ कर तेरे लाल को मैं लाऊंगी बचा, मैं लाऊंगी बचा नागिनी, तू अपने घर जा नागिनी, तू अपने घर जा। नाचना गिन और सुहागिन, तू आगे मत आ मेरे पिया तेरे मत प्राण नागिन, तू अपने घर जा नागिन, तू अपने घर जा। बहना सुन ले बिनती मेरी, दुनिया मेरी करना घेरी। बहना सुन ले बिनती मेरी, दुनिया मेरी करना घेरी। जहर के बदले अमृत दूंगी, फल तू मत खोला, फल तू मत खोला नागिन, तू अपने घर जा नागिनी, तू घर जा। नाचना गिन और सुहागिन, तू आगे मत आ मेरे पिया तेरे मत प्राण नागिन, तू अपने घर जा नागिनी, तू अपने घर जा। अंजना, तुम नागिन से इतना घबरा क्यों गई? कोई बात नहीं स्वामी, आप यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन अंजना, बात क्या है? मैं भी बताती हूँ, परंतु आपको मेरी सौगंध, यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं। ले जाइए। देवी विधात्री, मैं क्षमा चाहती हूँ। एक सती के पति को डसने की शक्ति मुझ में नहीं, एक साधारण नागिन जो है। हट जा मेरे रास्ते से। अपना काम आप ही करेंगे। तोड़ नहीं तक लगता है कोई सती के तट का घेरा, मौत की छाया बन जाती है हंसता हुआ सवेरा, हंसता हुआ सवेरा। जीवन की नैया लहरों से टकराने चली है, भारत की नारी चिड़ी बनाने चली है, तकदीर से तकदीर को ठुकराने चली है, भारत की नारी चिड़ी को बनाने चली है। आपको मेरी सौगंध। अंजना, तुम मुझे कहने क्यों नहीं देती? पहले तो मैं अपाहज था, एक जगह पर पड़ा रहता था, अब ठीक हूँ। कहीं आए के बिना काम कैसे बनेगा? नहीं स्वामी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वो खास में जरूर बदला लेगी। कौन? हमें नाव को दिलाना ही पड़ेगा। स्वामी, उन्होंने खोज जो की थी। कुछ भी होंगे ना, खोज का बदला खोज नहीं लेना चाहिए। तुम टुकड़े जमा करो, हम नाव को चलाएंगे। जो अब क्या होगा? पिताजी को सब कुछ मालूम हो गया है। होगा, तुम राजकुमारी होने के नाते छूट जाओगी और मैं सूली पे लटका दिए जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं दे सकती। ऐसे भाग चलो, बहुत चारों ओर सिपाही दौड़ा देंगे, कुओं और तालाबों में डलवा देंगे, उनसे बदतर हम। मेरी समझ में वो क्या राज करता है? मैं महाराज, तुम महारानी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, आज पागल हो गए। ये बात सेना में भी फैल गई है, प्रजा में भी। बस तुम्हारे हाँ कहने की देर। मैं तो नहीं कर सकती। बस यही है तुम्हारा प्रेम, यही है तुम्हारी प्रतिज्ञा। अच्छा है जो समय से पहले तुमने मेरी आंखें खोल दी। बहुत सुन लिया, अपना मेरा कोई संबंध नहीं। न तुम मुझसे फर्क, न मैं तुमसे, न मेरी परछाई तुम्हारे दीदी बनता है। आज तो तुम मेरी सूरत को तकोगी, मेरी आवाज को तकोगी। इन कसीले नैनों का सारा जादू हो जाएगा, इन रसीले होठों की लाली फरियाद बनकर उड़ जाएगी। ये जवाब तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। उसने प्रेम में फंसा लिया और दूसरी तरफ ये बात फैला दी कि महाराज पागल हो गए। महाराज, ये राज किसी बड़े संकट में फंसने वाला है। धीरज से काम लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बात और बिगड़ जाए। गिरफ्तार कर लो इन लोगों को, ये पागल है। सिपाहियों, ले चलो। महारानी मोहना की जय, महारानी मोहना की जय, महारानी मोहना की जय। मित्रों, महाराज के पागल हो जाने से प्रजा और राज पर जो संकट के बादल मंडराने लगे थे, हमारे अहोभाग्य के वो छट गए। और महारानी मोहना ने हम सब की भलाई के लिए राजकाज की जिम्मेदारी खूब संभाली। महारानी मोहना की जय, महारानी मोहना की जय। राजा हो या प्रजा, भाग के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। महाराज ने पागलपन में जो कुछ भी किया, आप लोग उसे भूल जाइए और राजनीति में हमारा हाथ बटाइए। हमने इसी विश्वास पर यह बोझ उठाया है। ये क्या कर रही हो अंजना? ये हाथ काम करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। छोड़िए ना, कोई देख लेगा। आओ भैया। रिया, कैसे तुझे लाज नहीं आती? मैंने तो तुझे पतिव्रता समझकर अपनी बहन बनाया था। ये कौन है? तेरा पति किधर गया? पापी नीच। भैया तू चुप रह। भैया, यही मेरे स्वामी है, इनका रोग दूर हो चुका है, अब ये अच्छे हो चुके हैं। क्या? मैं सब कह रही हूँ भैया। क्षमा करना भैया। कोई बात नहीं, इन नागों के लिए कहाँ मारे मारे फिरोगे? मेरी मानो तो इनके जलाने का ख्याल ही छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नागिन तड़प तड़प कर मर गए। इन नागों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना भी तो ठीक नहीं। जान की बाजी लगाए बिना कोई काम सफल नहीं होता, तुम जानो। किंतु ऐसे कठिन रास्ते में अपनी पत्नी को साथ ले जाना ठीक नहीं। अंजना यहीं रहेगी। नहीं भैया, जो कठिन रास्ते में पति का साथ न दे, मैं इनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकूंगी। जिद न करो अंजना, तुम्हारे भैया ठीक कहते हैं। तुम यहीं रहो, मैं जल्द लौट आऊंगा। नहीं स्वामी, दीप से ज्योति अलग हो जाए तो सारे संसार में अंधेरा हो जाता है। अगर आप मुझे यहाँ छोड़ गए तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी। धन्य हो अंजना, तुमने नारी जाति का नाम ऊंचा कर दिया। जाओ, तुम्हारा कल्याण। भैया, जब तक हम वापस ना आए, इन नागों की रक्षा आपको करनी होगी। उनकी तरफ से तुम निश्चिंत रहो। कौन हो? मैं उसी नाग की माता हूँ जिसको अंजना ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंजना से जो भूल हुई तुम उसे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बेटे को जलाए बिना नहीं लौटूंगा। जब तक अमृत ना मिले, ना मेरा बेटा जी सकता है ना ब्राह्मण का। अमृत कहाँ मिलेगा, मुझे बता दो। मैं जान की बाजी लगाकर भी ले आऊंगा। अमृत केवल पाताल लोक में मिल सकता है। जाओगे वहाँ? अवश्य जाऊँगा। जान जोकों का काम है, कैसे कैसे महापुरुष वहाँ अमृत लेने गए, परंतु वहाँ से कोई वापस नहीं आ सका। तुम चिंता ना करो, रास्ता बता दो, मैं ले आऊंगा। सोच लो, फिर पछताना ना पड़े। सोच विचार की जरूरत नहीं, तुम पाताल लोक का रास्ता बता दो, बड़ी कृपा होगी। अच्छा, तो चलो मेरे साथ। चलो। समुंदर में चले जाओ, तुम्हें पाताल लोक का रास्ता मिल जाएगा। धैर्य स्वामी, इसमें कोई घात ना हो। घात? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नागन बदला लेने के लिए व्याकुल है, वो चाहेगी कि आप डूब जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लौट जाए? ऐसा नहीं स्वामी, आप धैर्य। समंदर देव, अगर मेरी लगन सच्ची है, मैंने सच्चे दिल से पति सेवा की है और सच्चाई के रास्ते पर चली है, तो हमें रास्ता दिखा दो। तुम्हारी लगन में कोई खोज नहीं, अंदर चले जाइए। तो दूर जाके रास्ते में पहाड़ में उस पर की तरह चुल्लू भर पानी डालना, पाताल लोक का रास्ता मिल जाएगा। छत के बल से जा सकती आकाश या पाताल में, तूफानों का बल रहता है एक सती की चाल में। घर घर में सच की ज्योति वो जगाने चली है, भारत की नारी पिछड़ी को बनाने चली है, तकदीर से तकदीर को ठुकराने चली है, भारत की नारी पिछड़ी को बनाने चली है। हम इस तरह कब तक जीवन बिताएंगे? चारों ओर बदलानी हो रही है। आखिर तुम मुझसे ब्याह क्यों नहीं करते? ब्याह? महारानी और मंत्री में भी कभी ब्याह हुआ है? अगर ब्याह करना है तो मुझे राजगद्दी पर बैठाना होगा। अब भी तो तुम ही राजगद्दी बनाते। जब राज भी मैं ही करता हूँ तो राजगद्दी पर बिठाने में क्यों डरती हो? क्या तुम्हारे मन में कोई शंका है? नहीं, कोई शंका नहीं। मैं आज ही इसका फैसला करती हूँ। अब तुम खुश हो ना? महारानी जी पधारिए, दरबार में आपका इंतजार हो रहा है। चलो हम आते हैं। का अंत है ना बागे जाने की शक्ति। यहाँ कुछ देर विश्राम कर लें, फिर नीचे चलेंगे। बैठो। महारानी अभी तक नहीं आई, राजमंत्री भी गायब है। भगवान जाने इस राजगद्दी चल रहा है, उसमें हमारे राजमंत्री का बड़ा हाथ। एक निर्बल नारी बहुत दिन राजनीति का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए मैं ये राजमुकुट मंत्री जी के सर पर रखती हूँ। लोग में मनुष्य घुसा है महाराज। तो मुंह क्या देख रहे हो, खत्म कर दो उन्हें। खैरो कहाँ है वो? सीढ़ियों पे पड़े सो रहे हैं महाराज। चलो मेरे साथ। क्या धरती के वासी इतने खूबसूरत होते हैं? नारियां बहुत सुंदर होती है महाराज। तुम ठीक कहते हो, इसी यहीं पड़ा रहने दो और इस सुंदरी को हमारे भवन में ले आओ। जो आ गया। संसार, नागों का संसार यही है, नागों का संसार। अमृत का भंडार यही है, अमृत का भंडार, अमृत का भंडार यही है, अमृत का भंडार। नागों का संसार यही है, नागों का संसार। नागों का संसार यही है, नागों का संसार, नागों का संसार यही है, नागों का संसार। यही है नागों का संसार, नागों का संसार यही है, नागों का संसार। मैं लाया, मैं नागलोक का राजा, तुझे अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मेरे माथे पर की हाथ की बिल्लियाँ दिखाई नहीं देती, हटा मेरे रास्ते से, मुझे मेरे पति के पास जाना। गुस्से में तुम्हारी सुंदरता और बढ़ जाती है। आओ, अपने हाथों से मुझे घूसे मारो, अपनी पतली पतली उंगलियों से मुझे नोच लो, हराकर मुझे डस। दूर रहूं, मेरे पास ना आना, मैं पति बनता हूँ, अगर मुझे हाथ लगाएगा तो जलाकर भस्म कर दूंगी। जाओ, क्या पति मिले उसे दस कर खत्म कर दो, समझदार, वो यहाँ जिंदा नहीं आने पाए। भागना चाहती हूँ रास्ते, लेकिन जाने का कोई नहीं। मुझे जाने दे पापी। लेकिन जाओगी कहाँ? अपने स्वामी के पास। और कहाँ? वो तो कभी का मर चुका होगा। ये तुमने क्या किया? जो कुछ भी किया ठीक किया। अगर हमारे तुम्हारे बीच में भगवान भी आए तो उसे भी हटा दूंगा। घमंडी, तू क्या कर सकता है? मेरे स्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा, मेरी पति की रक्षा कर। तेरी महिमा अपरंपार है। तू प्रेम से नहीं मारेगी। हाथ न लगा पापी। देखे तुझे मेरे हाथ से कौन बचाता है? सीता को रावण से बचाया था। तो बुलाओ उसे। राम, मैं यहाँ से बच के बिगड़ नहीं जाऊंगा। पकड़ लो इसे। हमारे भवन में लिया जो आज्ञा। देखो उसे कोई कष्ट न होने पाए। ठहरो, इन्हें छोड़ दो। ये नाग रानी की आज्ञा है। आइए आप हमारे साथ चलिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? क्या धरती पर रहने वाले सब ऐसे ही कठोर होते हैं? कठोरता धरती पर नहीं, धरती के नीचे होती है। तो यहाँ आने का कष्ट कैसे है? मैं अमृत लेने आया हूँ। अमृत लेने? तो ले लो। इन वसीले नैनों में झांक कर देखो, इनमें अमृत का सागर उमड़ रहा है। ये अमृत का सागर नहीं, विष का सागर है। मुझे सचमुच अमृत चाहिए। इस सागर में डूबे बिना तुम्हें अमृत नहीं मिल सकता। रानी, मैं इस सागर में कभी नहीं डूबूंगा। कारण? अपनी पत्नी के अलावा मेरे लिए सारी नारियां माँ बहन के समान। कैसी है तुम्हारी पत्नी जिसने तुम्हें यहाँ आने के लिए अकेला छोड़ दिया? वो मेरे साथ आई थी, यहाँ आके न जाने कहाँ भटकी। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। हंसती क्यों रानी? तुम्हारे भोलेपन पर। तुम्हारी पत्नी तो नाग राजा के भवन में मोह उड़ा रही और तुम हो कि उसके नाम की माला जपे जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। मुझे रास्ता बता दो। पहले तुम मुझे रास्ता। मैं क्या करूं? मुझे तुमसे प्रेम हो गया। मैं सब कुछ खोकर भी तुम्हें पाना चाहती हूं। नहीं नहीं, ये पाप है। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। बसिया मोर मन बसिया मोर मन बसिया और पर बसिया सुनते दिन बजाई सुनते दिन बजाई। का मेला राज चलता है, आमकार विष्णु का, देखे तुझे कौन बचाता है? जाने दे मुझे, वरना बस हो जाएगा। भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सर कुछ डालूंगा। पापी, तू सोते में मेरी पत्नी को यहाँ उठा लाया, तुझे लाज नहीं आई? नगरी में जो कोई आ जाए उस पर मेरा अधिकार। ये तुम्हारी पत्नी तब तक थी जब तक कि पृथ्वी पर मूर्ख लोग, परलोक, पाताल लोग, ये सब संसार भगवान के बसाए हुए हैं। 2 दिन के राज पर इतना घमंड न कर, जबकि उलट से देर नहीं लगती। फिर अब संसार भगवान के बसाए, तो ले, मैं भी तुझे भगवान के साथ पहुंचा देता हूँ। हमने बड़ा पाप किया है, हमारी जान बचाओ। अब कभी पाप को मन में जगह न देना, न किसी नारी या पुरुष का अपमान करना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अच्छा, हम जाते हैं। खैर बहन, अपनी बहन को खाली हाथ कौन विदा करता है? अमृत लेकर जाना। तुझे अपनी रानी बनाऊंगा, रानी। ये क्या क्या हो रहा है? कौन? ओह, मोना। हाँ मोना, क्या यही तुम्हारा प्रेम है? क्या यही तुम्हारी प्रतिज्ञा है? प्रेम प्रतिज्ञा? मैंने तुम पर विश्वास करके माता पिता से बैर मोल लिया, उनके माथे से मुखड़ उतारकर तुम्हारे माथे पर रखा, तुम्हें राजा बनाया, और तुम एक नर्तक के लिए मेरा अपमान करते हो, विवाह को वचन तोड़कर मस्ती को बदनाम करते हो। तुम्हें लाज नहीं आती? विवाह तुझसे माँ बाप की तरह ये भी पागल हो गई। सिपाहियों, ले जाओ इसे, यहाँ से दूर किसी जंगल में छोड़ दो। शर्म नहीं आती? Let go! महाराज ने कहा था वो जरूर आएंगे, तो एक दिन और इंतजार कर लो। अरे आज साल का आखिरी दिन भी खत्म हो रहा है, और कहाँ तक इंतजार करेंगे? महाराज ना आए हैं ना आएंगे, इस तरह कब तक करती पड़ी रहेगी? उठाओ उठाओ उठाओ। रहमत को वचन दिए हुए आज एक साल हो गया है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पहुंचने से पहले वो लड़के की चिता जला दी। क्या विमान और तेजी से चल सकता है? विमान जितना तेज होता है समय उतना तेजी से गुजर रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा धर्मराज? अंजना और किसी समय पर पहुँच गए तो उन्हें अनहोनी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, उनको समय पर पहुंचने से हमें रोकना चाहिए। कोई उपाय? इसके लिए हमें विमान को गिराना पड़ेगा। तो हमें रोकी रहेगी। अब तो समय पर पहुंचने की कोई आशा नहीं। हम इसी समय पर पहुंच सकते हैं। कैसे? अगर इस उभरते हुए चांद को रोक दिया जाए, समय के पाँव में बेरी डाल दी जाए, ये रात ठहरने ना पाए, तो हम सुबह होने से पहले पहुंच सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? समय को कौन रोक सकता है? मैं, आप जाइए, मैं चांद को रोके रहूंगी। तुम चांद को रोके रहो? हाँ, अगर मैं सबसे दूर से पकड़ तक मैं अपने स्वामी की आनी भाई रुक जा, जब तक एक देखे बुझती ज्योति जगाई, बड़ा तुम्हारा रख जाओगे, जीवन होगा मेरा। आज तुम्हें की चाल रोक दे, जागे न कल का सवेरा। ओ चंदा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। की गति को कोई नहीं रोकता। ये क्या, तुम निकलते क्यों नहीं हो, चलते क्यों नहीं हो? तुम्हारे रुक जाने से संसार का हर काम रुक गया है। मैं मजबूर हूँ धर्मराज, पति ने मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी है। आप भगवान के पास जाइए, वही आपकी मदद कर। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सती अंजना ने समय की गति रोक दी है। देखिए तुमने भक्ति की शक्ति, भक्ति को समय के रास्ते से पर्दा संसार का सारा काम रुक जाएगा। इस सब जिन लोगों को मरना चाहिए था वो मर नहीं सकते, जिन बालकों को जन्म लेना चाहिए था वो जन्म नहीं ले सकते। अगर यही हालत रही तो संसार पर अंधेरा छाया रहेगा। अंधेरा रहे या उजाला, कर्म को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से रोकने की शक्ति किसी में नहीं है धर्मराज। आपने भी नहीं कह दिया ना, मैं तो केवल सच, कर्म और भक्ति का दास हूँ। जाओ सती अंजना के पास जाओ और उसे मनाओ। समय का चक्र उसी वक्त घूम सकेगा जब उसकी बात पूरी होगी। अंजना कौन? धर्मराज। हाँ, आज मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तुमने समय का धारा रोक दिया है, ये बहुत बुरा किया। लड़के को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। उसे कोई नहीं बचा सकता, तो समय का पहिया भी नहीं घूम सकता, ये रात भी नहीं दे सकती। अगर ब्राह्मण का लड़का न बचा तो मनुष्य का अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अगर ब्राह्मण का लड़का बच गया तो लोग भाग के आगे सर झुकाना छोड़ देंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। भाग को दोष देकर बैठने वाले भाग को बदलेंगे, बुरे अच्छे बनेंगे, अच्छे ज्यादा अच्छे बनेंगे। जान पड़ता है कि भक्ति की बात मानना ही पड़ेगी। भक्ति की बात तो विष्णु भगवान भी मानते हैं। जल्दी कीजिए धर्मराज, कहीं चिता में आग न लग जाए। अच्छी बात है, चलो। जल्दी सामने। अरे ये क्या, जहाँ एक ही जगह पर रुक गया है? मालूम होता है कि समय आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं फिर कहता हूँ, आप इस बच्चे की चिता को न जलाइए। आज कुछ अनोखी बात होने वाली है। महाराज, महाराज। अंजना, अब तुम समय का चक्कर घूमने दो। मैं बालक को जीवन दान देता हूँ। बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, धन्य हो महाराज, धन्य हो। आपने आज होने को अनहोने कर दिखाया। महाराज, ये तो सब सती अंजना का प्रताप है। महाराज की जय, सती अंजना की जय। हे चंद्रमा, तुमने आज मेरी बात मानकर जिस तरह सती की लाज रखी है, भक्ति की दुनिया में उजाला किया है, इसके बदले में भक्ति तुम्हें और चमक दे। अब जाओ, संसार पर छाए हुआ अंधकार दूर करो, जीवन के ठहरे हुए धारे को बहने दो, मनुष्य के सोने मन में अपनी किरणें भर दो। आइए, अब इस अमृत से नागों को जीवित कीजिए। लो भैया, ये रही तुम्हारी अमानत। भगवान भला करे माई। मोहना दीदी, मोहना ये तेरा क्या हाल हो गया है? ये कितना किस पर कैसे पड़ी? भाग का लिखा पूरा हो रहा है दीदी। मंत्री ने मुझे अपने जाल में फांस कर राज पर कब्जा कर लिया। महाराज और महारानी कैद में और मैं निकाल दी गई। देखिए इसका क्या हाल हो गया है। मोहना तू इन्हें पहचानती है? ये मेरे पति देव है। देव तकदीर ने हमारी तरतीब बदल दी कि लोग मूर्खता खुद करते हैं और दोष भाग को देते हैं। तो हमारे साथ चल, ठोकर खाए बिना आँख नहीं खुलती। चलिए स्वामी, माता पिता को भी छुड़ाना है। अच्छा भैया, अब हमें आते हैं। जाओ भैया, तुम्हारा कल्याण। आज तुम उदास क्यों हो? चित्रगुप्त जी, तुम कहो तो मैं होने का लेख मिटा दूं या फिर से लिखूं? चित्रगुप्त जी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। कोई और विचार हो तो बताओ। सती अंजना ने अपने सत्य प्रभाव से तुम्हारे अभिमान को चूर चूर कर दिया है और तुम। बस बस चित्रगुप्त जी, मेरी भूल थी। मेरा अभिमान झूठा था। मैंने बेकार देवी पार्वती से बैर मोल लिया था। राजकुमारी अंजना की, राजकुमारी अंजना की। महाराज की जय हो। बड़ी राजकुमारी और छोटी राजकुमारी, एक राजकुमार और प्रजा के बहुत से लोगों को साथ लेकर राजमहल की तरफ आ रही है। राजमहल की तरफ? अच्छा, शिकार खुद मौत की जाल में फंसने के लिए चला आ रहा। अब वो हमारे हाथ से बचकर कहा जाए। राजकुमारी अंजना की जय। अंजना बेटी, पिताजी। बेटी अंजना, बेटी तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है। पिताजी, आप इन्हें पहचानेंगे? ये मेरी स्वामी है, जिन्हें आपने रोगी समझ कर मुंह छीन लिया था। हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज। हाँ, क्षमा कर दो बेटी, क्षमा कर दो। हमारी अंजना कितना नहीं पहचान। तुम धन्य हो बेटी, तुम्हारी तकदीर ने हमें तकदीर के चक्कर और निराशा के अंधकार से निकालकर जीवन का नया रूप दिखाया। आइयो, गिरफ्तार कर लो इन्हें। गिरफ्तार में कैसे आ गए? खाने के कितने रास्ते होते हैं, ये केवल घर वाले ही जान सकते हैं। मंत्री जी, तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाई। बात ना ब्रह्म मंत्री, हम प्रजा हूँ निभाना चाहते। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तू मेरे हाथों से मरना चाहता है, उसका फैसला अभी हो जाता है। जाओ, तुम्हें माफ किया। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, तकदीर पर अंधविश्वास रखने की हमें पूरी सजा मिली। धन्यवाद है महाराज सिंह और महारानी अंजना की तकदीर को, जिसने केवल उनका ही नहीं हमारा भाग्य बदल कर दिखा दिया। आज से सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसी को होगा जो तकदीर को मानता। देवी विधात्री, जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ। क्षमा कर दो देवी पार्वती, मुझसे भयंकर अपराध हो गया है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर तू सती की परीक्षा न लेती तो संसार को उसकी शक्ति का कैसे पता चलता? देवी पार्वती, जिसे तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त होता है उसका तीनों लोक में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो देखो, तुम्हारी सती के दसों दिशा में गीत गाए जा रहे हैं। एक सती के सत्य के व्रत की पूरी हुई पर परीक्षा सती पति की परछाई है, मन भावन ये शिक्षा। जीत हुई तदबीर की, दूर हटे तूफान, सारा भारत देख रहा है एक सती की शान, सारा भारत देख रहा